प्रतिकार शक्ति और इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो उसके लिए खान पान और पानी कितना लेना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखो भाई, कोरोना का पीरियड चालू है जिसमें काफ़ी लोग कोरोना से बाधित हो रहे हैं। काफ़ी तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि भाई अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के मैं आपको तरीके कुछ बताता हूँ। और इम्यून सिस्टम बढ़ा दें तो कोई भी बीमारी वैसी आने से हम रोक सकते हैं और हम पावरफुल जीवन जी सकते हैं। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य यदि रखना है तो उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है वो हम देखते हैं। एक तो क्या है कि हमारा खाना बहुत ही रेगुलर होना चाहिए, नंबर एक। और खाने में कार्ब जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो जितने कम होंगे उतना अच्छा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम और प्रोटीन्स ज्यादा। तो प्रोटीन्स कितने होना चाहिए? तो प्रोटीन्स कम से कम आपका जितना वजन है उतने तो भी मिनिमम होना चाहिए। मतलब समझो 70 किलो वजन है, 70 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन में आप प्रोटीन की पाउडर ले सकते हैं। प्रोटीन पनीर में बहुत ज़्यादा होता है और नॉनवेज तो बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध है। नॉनवेज के लिए फिश है, एग्स है, या मटन, चिकन सभी आप ले सकते थे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए फिर आप दाल बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, मटकी दाल, तो उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन आपको मिलता है। जंक फूड आप जितना खाते हैं उतनी प्रतिकार शक्ति हमारी कम हो जाती है। तो जंक में पिज्ज़ाज, ब्रेड, बर्गर्स ये जो है वो कम खाना चाहिए। और खाने में बैलेंस डाइट, इसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा है। सूप लेते हैं टोमेटो का, खीरा लेते हैं, काकड़ी, कुकुम्बर, टोमेटो, जितना ज़्यादा आप वेजिटेबल्स खाएंगे और कच्चे वेजिटेबल्स खाएंगे उतनी सेहत अच्छी रहेंगी। उसमें आपको बी ट्वेल्व भी मिलता है। अब सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितना कम, कार्बोहाइड्रेट जितना कम खा सकते हो उतना, और कार्बोहाइड्रेट में जितना ज़्यादा मीठा खाते हो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। तो मीठा तो अपना दुश्मनी है, मीठा नहीं खाना चाहिए। और रोटी, चावल, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं तो वो भी जितना कम खा सकते उतना कम खाना चाहिए। फैट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैट्स आप जितना चाहिए उतना खा सकते। पहले ऐसा था कि नहीं फैट मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मगर ऐसा अभी नए हिसाब से नहीं है। फैट्स खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ता है। मगर पानी जो है ना, वो 3 से 4 लीटर पानी आपने रोज पीना चाहिए। जितना पानी पियेंगे, मतलब पानी ये जीवन है ऐसा बोलते हैं, और वो आप जितना स्प्रेड आउट पानी पियेंगे उतना बहुत अच्छा है। पानी ज़्यादा पीने से मस्कुलर क्रैम्प्स ठीक हो सकते हैं, सेहत अच्छी रहती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जो है ना सब बैलेंस में रहेंगे ना। काफ़ी पानी पीने से क्या होता है कि जो चीज़ नहीं चाहिए वॉश आउट हो जाएंगी यूरिन के माध्यम से। और इसमें फिर वैसा फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितना पानी पियेंगे उतना अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज, 40 मिनट से लेकर 60 मिनट तक रेगुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा, प्राणायाम, सेल्फ हिप्नोसिस रेगुलरली आप कर रहे हैं, और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, वीडियो देखना ये आपको करना है। 7 से 8 घंटे नींद की जरूरत होती है, और वो नींद भी जब चाहे तब नहीं है, टाइम टाइम पे। मतलब आपको यदि 12 से 7 सोने की हैबिट होंगी तो 12 से 7 ही सोने का है रात को। ऐसा नहीं कि कभी रात को सो रहे कभी दिन को सो रहे, ऐसा नहीं करने का है। 7 घंटे 8 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 8। ऐसा पाया गया है कि 6 से कम और 8 से ज़्यादा घंटे जो लोग नींद लेते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, उनको खांसी, बुखार जैसे जो है ना वायरल फीवर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आप जितना भी खा सकते 50 ग्राम 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, तो उससे भी सब बैलेंस्ड हो सकता है, जो भी कमी है वो ठीक हो जाएगी ड्राई फ्रूट से। जैसा मैंने बताया वेजिटेबल्स में आप खीरा, मतलब काकड़ी, टोमेटो, इसके साथ साथ सभी तरह का मतलब सैलाड लेते हैं ना, मिक्स्ड सब तरह का सैलाड, और जितनी सब्जी खाते हो आप, तो सब्जी में रोटी सब्जी नहीं खाना है अपने को, आपको सब्जी रोटी खाना है। मतलब जितनी ज़्यादा सब्जी खा सकते हो उतनी सब्जी खाओ, रोटी कम खाओ, या चावल दाल नहीं खाने का, दाल चावल खाने का, जितनी दाल ज़्यादा खा सकते हो उतनी खाओ। उसमें साथ साथ पीनट्स जो है ना, ग्राउंड नट्स, पीनट्स, उसमें काफ़ी प्रोटीन रहता है तो वो भी आप खा सकते हैं। इस तरह का बैलेंस डाइट, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज और रेगुलर चीज़ें है ना, रेगुलरिटी मेंटेन करना, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य रखते हैं तो कोई भी बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम पानी कम पीते हैं, तो पानी 3 से 4 लीटर पानी रोज का पीना जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अपनी अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे ना, इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे, तो सभी तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से हम दूर रह सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।